हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फैसिलिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है, पीएनपी दो बार पेपर जो है वो कंडक्ट कराती है, लेकिन इस बार मतलब आपकी जो परीक्षा है वो मई या जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है यहाँ पर कि चुनाव के चलते आपके पेपर में लेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सीटेट का भी एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपका पेपर सीटेट जुलाई यानी 7 जुलाई को जो आपका सीटेट का पेपर है उसके बाद ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे डीएलएड बीटीसी वाले स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं सीटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे और सीटेट का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे 7 तारीख को। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आपकी जो प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर के जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो यहाँ पे बहुत जल्द आपका जारी किया जाएगा। डेटें क्या होने वाली है वो मैं एक्सपेक्टेड डेट आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि ये जो डेटें हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे डेटें पढ़ सकते हो, वहाँ पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो कि आखिर एग्ज़ाम के बारे में क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ये डेट शीट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक निकल करके आ रही है, क्योंकि ऑफिशियल जब आएगी तभी हम लोग मानेंगे, बट यही डेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेट की बात करें तो यहाँ पर 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को आपका प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख को आपके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ मैं हो सकती है, क्योंकि ये एक निकल करके आ रही है, चुपके से खबर निकल करके आ रही है पीएनपी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा की डेटें जो है वो हो सकती हैं, यानी 8 तारीख 9 तारीख और 10 जुलाई को फर्स्ट सेमेस्टर की, 11 12 13 जुलाई को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो कंडक्ट हो सकती है। और ये आपका हो रहा है सिर्फ जुलाई का सेकंड वीक। जी हाँ, जुलाई का सेकंड वीक में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अगर आप अभी भी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं और कोई भी कमी रख रहे हैं अपनी तैयारी में तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी अपना थोड़ा बहुत परीक्षा जो है मतलब जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देंगे या फिर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देंगे तो वो भी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है वो अपना सेमेस्टर परीक्षा की भी स्टार्ट कर दे अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट में अगर किसी पेपर में आपका पेपर ख़राब हो गया तो दोबारा से हम उसको दे सकते हैं, बट डीएलएड में आपको पता है कि अगर आपका एक बार बैक लग गया तो आप 1 साल के लिए पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से पूरी तैयारी के साथ जुट जाइए और इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी आप सभी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।